हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी ने सैट एग्जाम 2022 के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन नहीं बल्कि हम कह सकते हैं क्लेरिफिकेशन जारी किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सैट एग्जाम दिया है, उनकी एमपीपीएससी से एक रिक्वेस्ट ये थी कि इस बार भी 15% कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई कराया जाए। मतलब जितने कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं उसका 15% कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाए। हालांकि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके नियम ये है कि 6% कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई किए जाने चाहिए, लेकिन एमपीपीएससी ने जो पिछली बार सेट कराया था उसमें 15% कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया था, तो उसी को लेकर यहाँ पर रिक्वेस्ट ये थी कि 15% कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई कराया जाए। लेकिन यहाँ पर एमपीपीएससी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को दिखाते हुए कहा है कि 6% कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई किए जाने का नियम है, हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो हालांकि इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए कहा है कि हम इसमें 6% में किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं करेंगे। हालांकि एमपीपीएससी से हमारा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि सर यूजीसी जो है वो हर साल एग्ज़ाम कराता है, तो वहाँ पर 6% का नियम तो चलो ठीक है, लेकिन आप जो है 5 साल में एग्ज़ाम करा रहे हो, तो जब 5 साल में आप एग्ज़ाम करा रहे हो तो उस कंडीशन में 6% के हिसाब से 30% हो जाता है, 6×5=30। तो हम तो सिर्फ 15% मांग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नियमों में थोड़े बदलाव कर दिए जाएं। ये लिमिट जो है वो हर साल के लिए होनी चाहिए, और यदि कोई एग्जाम 2 साल 3 साल में करा रहे हैं तो उसमें हल्की फ्लेक्सिबिलिटी लाने का नियम होना चाहिए। जहाँ तक ये बात है नियमों में बदलाव की, साहब पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है, इतना बड़ा संविधान है उसमें संशोधन हो जाता है, तो ये तो सिर्फ एक नियम है, इसे बदलाव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एमपीपीएससी को रिक्वेस्ट करना चाहिए यूजीसी से कि नियमों में थोड़े बदलाव कराए जाएँ। आप लोग की राय क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच कोर्स लॉन्च हो चुका है। जो फ्रेंड्स इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच कोर्स पार्ट ए पोर्शन के लॉन्च किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर का पोर्शन कवर किया जाता है। तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख से ये बैच लॉन्च हो जाएगा। 15 तारीख से लॉन्च होने वाले इस बैच को यदि आप 15 तारीख के पहले ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस रहेगी ₹999, और 15 के बाद ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस जाएगी ₹1599। तो पार्ट ए पोर्शन कंप्लीटली कवर किया जाएगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, एंड सेकेंड थिंग वो सारी क्लास के PDF दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। और वो टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम में PSC के हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके वो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होगी। तो ये रहा डिस्कशन इस पॉइंट के बारे में। यदि आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक ले बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप पावर एंड टेक केयर। वैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है रामसोनी MPSC, उसके माध्यम से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल।